ने मुझे मांग संख्या 46 कृषि विभाग एवं मांग संख्या 47 पशु एवं मत्स्य विभाग पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के गांधी माननीय अशोक जी गहलोत द्वारा जो बजट पेश किया है वो दमदार हैं, शानदार हैं, जानदार हैं, वजनदार हैं। इस बजट में बचत, बजट और बढ़त और राहत के साथ आम आदमी, गृहिणी, किसान एवं व्यापारी सहित अन्य सभी वर्गों के लिए पेश किया है। कांग्रेस सरकार हमेशा किसानों के हितैषी रही है। पर्यावरण एवं मानव के हित में प्राकृतिक खेती ही धरती पर जीवन का आधार है। पुराने समय में बैलों के माध्यम से प्राकृतिक खेती की जाती थी, उससे आम आदमी का शरीर स्वस्थ रहता था। आज मानव जाति सहित सारे जगत को जिंदा रखने के लिए शुद्ध हवा, पीने का पानी, पौष्टिक भोजन प्राकृतिक खेती से ही उपलब्ध हो सकता है। प्राकृतिक खेती जीवन रेखा है। वर्तमान समय में कारपोरेट मॉडर्न ने आम जन को रासायनिक खेती की ओर धकेल दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषि बजट अलग से पेश कर देश में एक नई मिसाल पैदा की है। यदि इसी बजट के अंदर पर्यावरणीय संकट, जलवायु परिवर्तन एवं पहले से गंभीर संकट ग्रस्त किसान बिरादरी एवं आम जनता की खाद्य असुरक्षा, कुपोषण, महामारियां आदि रासायनिक खेती से पैदा हुई जटिल समस्याओं के लिए 50% बजट जैविक खेती के लिए आवंटित किया जाए तो स्वास्थ्य राजस्थान की कल्पना साकार हो सकती है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं कृषि मंत्री जी से मांग करती हूँ कि राजस्थान को जैविक खेती वाला राज्य घोषित करने की नीति प्राथमिकता से लागू करवा कर जैविक खेती कृषकों को प्रोत्साहन किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से मांग करती हूँ कि वर्तमान में सोलर पैनल एवं ग्रीन हाउस के टारगेट के मुकाबले आवेदन करने वाले किसानों का तादाद ज़्यादा है। अतः सोलर पैनल एवं ग्रीन हाउस के टारगेट बढ़ाने की मांग करती हूँ। अंत में मैं सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक के वर्तमान कार्य को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक वेतनमान काफ़ी कम है। राजस्थान के लगभग 5000 कृषि कर्मचारियों को पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी की तरह हार्ड ड्यूटी अलाउंस एवं अतिरिक्त भत्ता दिया जाए ताकि साथ ही 2400 पे ग्रेड की जगह 2800 पे ग्रेड वेतन सहित क्रॉप कटिंग के दौरान आवश्यक सुरक्षा उपकरण दिलाने की मांग रखती हूँ। कांग्रेस सरकार, माननीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र में सहाड़ा में शीत लहर एवं बारिश से खेतों में खड़ी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। एक तरफ महंगाई की मार, वहीं दूसरी ओर फसलों का नुकसान से किसान काफ़ी व्यथित एवं परेशान हैं। मैं मुख्यमंत्री जी एवं कृषि मंत्री जी से सदन के माध्यम से किसानों को हुए नुकसान के मुआवजे की मांग करती हूँ। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। मेरी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति रायपुर में गौण कृषि मंडी रायपुर की स्थापना 1989 में हुई थी। उस समय दुकानें एवं प्लेटफार्म भी बनाया गया था, लेकिन आज तक वो बंद पड़ी है, जिसके कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एवं बिचौलिया फायदा उठा रहे हैं।
मैं सदन के माध्यम से कृषि मंत्री जी से किसानों के प्रति सहानुभूति दृष्टिकोण रखते हुए गौण कृषि मंडी रायपुर को पुनः प्रारंभ किया कराने की मांग करती हूँ। माननीय सभापति महोदय, कोरोना की बात ही लंपी रोग के आने के पश्चात पशुपालकों का द्वारा पशु बीमा के लिए बैंक में संपर्क किया जा रहा है और बैंक कर्मचारियों द्वारा पशु बीमा करने में आनाकारी की जा रही है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पशु बीमा कराने के लिए पशुपालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट ने लंपी रोग से मृत गोवंश की पशुपालकों को सहायता के लिए प्रति गाय 40,000 की घोषणाएं की थी। इस घोषणा में दुधारू गोवंश को ही शामिल किया है, जबकि पशुपालकों के पास में जो गायें दुधारू नहीं थी लेकिन गर्भवती थी उनकी भी लंपी रोग से मृत्यु हुई थी। लंपी रोग से मृत गर्भवती गोवंश के मुआवजे के लिए मैं सदन के माध्यम से माननीय पशुपालन मंत्री जी से मांग करती हूँ। वर्तमान में राजस्थान में 70% पशु चिकित्सा अधिकारियों के पद रिक्त चल रहे हैं, जिसमें 900 पशु चिकित्सकों की भर्ती विगत 5 वर्षों से न्यायालय में लंबित चल रही है। इस कारण पशुपालकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं पशुपालन मंत्री जी से मांग करती हूं कि राजस्थान में रिक्त चल रहे पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरवा कर पशुपालकों को राहत प्रदान की जाए। अंत में सदन के माध्यम से पशुपालन मंत्री जी से मेरी विधानसभा क्षेत्र में चीड़खेड़ा, डोसर, गोवड़िया, सालेरा, शिवरती, उल्लई, उमेदपुरा, सातल्यास, बिल्लिया कला, नारायण खेड़ा, पालरा, पिता का खेड़ा में नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की मांग करती हूँ। अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में चंद लाइना कहना चाहूँगी। पिछड़े क्षेत्र की हर तस्वीर बदल दी, राजस्थान के भाग्य की लिखी हर तकदीर बदल दी, राजस्थान के भाग्य की लिखी हर तकदीर बदल दी। जनता के विश्वास पर आप खरे उतरे हैं, जनता के विश्वास पर आप खरे उतरे हैं। आपने खुशियों में जनता की हर पीर बदल दी, आपने खुशियों में जनता की हर पीर बदल दी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।